मैनी पीपल माइट वंडर एंड ऑल्सो आस्क मी कि ये बड़े बड़े वूंड्स लीजन्स डॉग में मैगट्स के होते कैसे हैं जो कि कीड़े पड़ जाते हैं। कोई भी वूंड जहाँ पे ब्लीडिंग हो एंड ऐसा बिना ट्रीटमेंट किए छोड़ दिया जाए तो उस पर मक्खियाँ बैठती हैं एंड उस पर मक्खियाँ अंडे दे देती हैं। ऐसे वाइट कलर के अंडे होते हैं एंड वो अंडों में से हैच होके लार्वा या मैगट्स निकलते हैं। ये साइकिल होती है उनकी एंड वो लार्वा डॉग का स्किन, डॉग के मसल्स एंड फाइनली डॉग के ऑर्गन्स खा लेते हैं। वो खाते खाते डॉग पे इन्फेक्शन हो जाता है एंड ऐसे बड़े बड़े लीजन्स हो जाते हैं एंड फाइनली एनिमल्स की लाइफ चली जाती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती ऐसे इन्फेक्शंस की वजह से। एंड अगर ये हेड पे हो या नेक पे हो तो वो बिल्कुल लिक नहीं कर पाते, लेग्स पे, फीट पे, पॉज पे तो भी लिक कर जाते हैं बट वो बाकी जगहों पे लिक नहीं कर पाते एंड बिना ट्रीटमेंट के वो डॉग्स या एनिमल्स मर जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन अराइजेस, आर मैगट वुंड्स प्रिवेंटेबल? मैगट वुंड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है? तो द आंसर इज डेफिनेटली अ यस। व्हेनेवर यू सी अ ब्लीडिंग वुंड ऑन एन एनिमल, किसी डॉग पे या किसी कैट पे, स्पेशली जो जहाँ पे वो लिक नहीं कर पाते, सो क्लीन दैट ब्लीडिंग वुंड, क्लीन द ब्लड विथ अ डायलेटेड बिटाडीन सॉल्यूशन। पोविडीन आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, उसको डायलेट करके उससे क्लीन कीजिए एंड उसके बाद अप्लाई हीमैक्स ऑइंटमेंट या फिर अप्लाई लॉरेक्सिन ऑइंटमेंट या फिर अप्लाई एक्रिलिन ऑइंटमेंट उस ब्लीडिंग वुंड पे, सो दैट उस पे फ्लाइज नहीं बैठे। सबसे फर्स्ट थिंग, यू कैन यूज स्प्रेज टू अगर डॉग्स फ्रेंडली है तो, डीमैक्स स्प्रे, डीमैक्स स्प्रे या टॉपिकेयर स्प्रे आती है जो आप डॉग्स पे यूज कर सकते हैं सो दैट मैगट्स हो ही नहीं बिल्कुल भी। चलो किसी रीजन की वजह से आपका वुंड पे ध्यान नहीं गया एंड मैगट्स हो गए, सो आर द मैगटेड इन्फेस्टेड डॉग्स क्यूरेबल? बिल्कुल, आपने पोस्ट देखी होंगी मेरी एंड काफ़ी अलग अलग डॉग्स को भी देखा होगा जिनको काफ़ी बड़े बड़े वुंड्स से वो हील हो चुके हैं मैगट वुंड्स से। सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज रीच अ वेटनरी डॉक्टर, इट्स द वेरी फर्स्ट थिंग। वेटनरी डॉक्टर से बात कीजिए या उस डॉग को वहाँ पे लेके जाइए या डॉक्टर को डॉग के पास लेके जाइए एंड उसका ट्रीटमेंट करवाइए। इफ पॉसिबल नहीं है, कॉन्टैक्ट एनजीओस जो स्ट्रे डॉग्स के लिए आते हैं, कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल रेस्क्यूअर्स लाइक मी या किसी को भी कॉन्टैक्ट कीजिए, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इफ पॉसिबल। एंड इफ बेसिक से बेसिक थिंग है आप किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कपूर की गोलियां, कैम्फर की गोलियां, बोरिक एसिड जो पाउडर हम कैरम खेलने में यूज करते थे बचपन में, जो पाउडर डालते थे बोरिक पाउडर या कैम्फर, ये आप मैगट्स के वुंड में डाल सकते हो सो दैट एटलीस्ट मैगट्स मर जाए उससे एंड डॉग को एक एक्स्ट्रा टाइम मिले हील होने के लिए। एंड उसके बाद आप डॉक्टर से या एनजीओ से या रेस्क्यूअर से कॉन्टैक्ट करके उसकी हेल्प कर सकते हैं उसके इन्फेक्शंस को फाइट करने में एंड मैगट्स को रिमूव करने में या जो भी ट्रीटमेंट आगे कैरी ऑन करनी होगी उसमें। प्लीज़ हेल्प कीजिए उनको, कोई बड़ी बात नहीं है मैगट वुंड्स को क्योर करना, बस पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एंड उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कोई भी कीड़े वाले ऐसे जख्मों में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फिनाइल ये सब चीज़ें मत डाला कीजिए। इन चीज़ों की वजह से जो उनके हेल्थ टिश्यूज़ हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो टिश्यूज स्किन के होते हैं या ऑर्गन्स के होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड आप एक तरह से उसे और ज़्यादा तकलीफ भी पहुँचा रहे हो। नो डाउट मैगट्स मर जाएंगे बट और ज़्यादा तकलीफ होगी डॉग को। टर्पेंटाइन ऑयल जो मेडिसिनल होता है वो यूज़ कर सकते हैं बट वो भी काफ़ी ज़्यादा बर्न होता है। आप ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे सो इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड थिंग। जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं वो सारे नुस्खे सही होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ नुस्खे गलत भी होते हैं जो कि ये नुस्खे भी काफ़ी गलत हैं जो काफ़ी लोग करते हैं।